राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे में प्रधानमंत्री पद के लिए दो फाड़। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। प्रधानमंत्री पद के लिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव में मतभेद देखा जा रहा है। हाल ही में एक इंटरव्यू में तेज प्रताप यादव ने अपनी मन की बात जाहिर की है कि उनके हिसाब से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार किसे होना चाहिए। क्या है पूरी खबर, आइए हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। प्रधानमंत्री पद को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के दोनों बेटों में दो फाड़ होता दिख रहा है। एक इंटरव्यू में तेज प्रताप ने अपनी दिल की बात कही है। उन्होंने कहा है कि वो दिल से चाहते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बने तो अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाया जाए, जबकि इंडिया गठबंधन में सर्वमान्य नेता राहुल गांधी है। माना जाता है कि तेजस्वी यादव का समर्थन राहुल गांधी के साथ है। वहीं एक सवाल के जवाब में तेज प्रताप ने कहा कि अगर तेजस्वी जेल जाएंगे तो वो खुश होंगे, क्योंकि कृष्ण भगवान का तो जन्म ही जेल में हुआ था। वहीं एक चैनल में दिए गए इंटरव्यू में तेज प्रताप यादव ने कहा कि यकीन है कि मोदी सरकार साल 6 महीनों में गिर जाएगी। उन्होंने दावे के साथ कहा कि सरकार गिर जाएगी, मगर किसकी सरकार बनेगी। इस सवाल पर तेज प्रताप ने संकोच करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और किसकी बनेगी, इसके बाद पीएम कौन बनेगा का सवाल आ गया। इस पर तेज प्रताप ने कहा कि पीएम कौन बनेगा ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि किसी का नाम ले लेंगे तो लड़ाई हो जाएगी। पीएम पद के नाम पर फैसला करने वाला मैं कौन होता हूँ, इसका फैसला तो पार्टी के नेता करेंगे। इसके बाद फिर घुमा फिरा कर वही सवाल आ गया कि आखिर पीएम बनने की क्वालिटी किस में है। काफी सोच विचार कर तेज प्रताप ने कहा क्वालिटी तो राहुल गांधी में है, उन्होंने पदयात्रा निकाली, पैदल मार्च निकाला है उन्होंने, राहुल जी ने खूब मेहनत की है, इसकी सराहना पूरे देश ने की है। तेज प्रताप ने कहा कि वो राहुल गांधी को पसंद करते हैं, मगर दिल से अखिलेश यादव को मानते हैं, वो चाहते हैं कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बने। तेज प्रताप ने इसकी वजह भी बताई, उन्होंने कहा कि वो हमारे संबंधी हैं और मुलायम सिंह यादव को भी बहुत पसंद करते थे, मेरा पारिवारिक रिश्ता है। हालांकि बिहार में सीएम पद को लेकर तेज प्रताप के पास कोई कंफ्यूजन नहीं है, उन्होंने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर मुहर लगाई। करप्शन से जुड़े सवालों पर जब तेजस्वी के जेल जाने से जुड़ा सवाल पूछा गया तो तेज प्रताप ने कहा कि हमको खुशी होती है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है जेल में, मथुरा के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, मोदी जी ऐसा करा करके वो तो और हमको भक्ति मिल रहा है, भगवान का सेवा करने का मौका मिल रहा है। तेज प्रताप ने कहा कि जेल से कोई डरता है तो देखिए, एक तरफ जहां तेज प्रताप यादव ने यह कहा है कि मोदी सरकार साल या 6 महीनों में गिर जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ जब उनसे सवाल किया गया कि सरकार गिरने के बाद किसकी सरकार बनेगी तो उन्होंने संकोच के साथ ही सही, लेकिन उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और जब उनसे ये पूछा गया कि प्रधानमंत्री का दावेदार कौन होगा तो उन्होंने कहा कि बेशक राहुल गांधी एक अच्छे नेता हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए जो क्वालिटी है वो अखिलेश यादव के पास है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो हमारे संबंधी हैं, इसीलिए भी वो शायद अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री पद के तौर पर देख रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही, आप देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन।